आपका स्वागत है आज हम बात करें लोली मैक लोशन के बारे में तो इसका उपयोग किया जाता है फंगल इन्फेक्शन में तो इसे मैक्लॉइड फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाया जाता है इसका 15 ml का वन बॉटल है जिसकी कॉस्ट है टू थर्टी नाइन रुपीज दो सौ उनतालीस रुपया इसके अंदर ऐड किया गया लोली कोना जल वन परसेंट यह लोशन फॉर्म में है तो इसे किन समस्याओं में आपको उपयोग करना चाहिए या जब आप इसका उपयोग करते हैं तो क्या बेनिफिट्स मिलने वाले हैं तो पूरी जानकारी के लिए आप अंत तक बने रहें तो लुली मैक लोशन का उपयोग तभी करना है जब आपको दाद खाँत खुजली हुई है जैसे कि आपको आपके ग्रोइंग पार्ट एरिया में प्राइवेट पार्ट के साइड में मोस्टली ज़्यादा होता है या आपके आमपीठ या आपको जैसे कि बालों वगैरह में कहीं फंगल दाद खाँत खुजली हुई है। तब जैसे कि आपको नाखूनों वगैरह में फंगल इन्फेक्शन हुआ है तभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं जिससे आपके नाखून टूट जाते हैं भूंगरे हो जाते हैं तभी भी इसका उपयोग कर सकते हैं ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है ये क्या करता है फंगस को मारने का काम करता है उसके सेलवाल को ब्रोक करता है जिसकी वजह से फंगस मर जाता है इसके बेनिफिट्स ये हैं कि इसका जैसे उपयोग करना स्टार्ट करेंगे देखेंगे आपको एक दो दिन में असर दिख जाएगा लेकिन आपको इसको कंटिन्यू फिफ्टीन डेज तक यूज़ करना है अगर इसका बेनिफिट्स आपको विजिबल रिज़ल्ट देखना है तो ये बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है जैसे लार्जर बॉडी एरिया में आप इसका उपयोग कर सकते हैं क्रीम आप लगाते हैं तो ज़्यादा स्प्रेड नहीं होता है तो इसलिए लोशन है और इसे हेरी स्किन एरिया में यूज कर सकते हैं जैसे कि बालों वाली एरिया में भी इसे यूज कर सकते हैं तो इसका उपयोग करने से है करना और रिजल्ट लेना है तो एक बार डॉक्टर से जरूर इसके बारे में डिस्कस करें अगर आप खुद से यूज करते हैं तो हो सकता है कहीं कॉमन साइड इफेक्ट देखने को आ सकते हैं जैसे कि इरिटेशन ईचिंग और बर्निंग सेसेसन या आपको रे, आ, लालपन देखने को मिल सकता है तो इसका उपयोग आप इन समस्याओं में कर सकते हैं जैसे कि जब आपको दात खाज खुजली हुई है वह फैल रही है तो उसे कम करने के लिए या फ्लैकी फंगल इन्फेक्शन हुआ जिसमें आपको आ, मोटी चमड़ी हो गई है तभी भी आ, फंगल इन्फेक्शन के तभी भी यूज कर सकते हैं तो मुझे आपको हर मे मेडिकल शॉप में इसलिए अलग मिल जाएगा आपके लोकल मेडिकल शॉप में तो अगर आप वीडियो और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत सारे मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए और वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो एक लाइक कर दें तो अगर आपने कभी इसे परचेस किया है तो आपको क्या बेनिफिट्स मिले हैं कमेंट करके बता सकते हैं या आपका डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए अपना ख्याल रखें